हेलो हीरोज, मैं विशाल रोलिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा किस बात पे। वो बात है ये कि सीबीएसई का रिजल्ट भैया कब आ रहा है क्लास 10th और 12th का। बहुत से बच्चों का मेल आ चुका है, मैसेज आ चुका है, हर दिन बच्चे पूछते हैं। हर दिन में मैं कहूँ तो 5 बार पूछते हैं कि सर कब आ रहा है रिजल्ट। तो बच्चों, मैं बता दूं कि सीबीएसई की तरफ से अभी कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। हालांकि एक बात सुनने में आ रही थी कि 15 जुलाई तक रिजल्ट आएगा, लेकिन बच्चों इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं उन्हीं फैक्ट पे विश्वास करता हूँ जिसका कि सीबीएसई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है। कोई क्या बोलता है इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। मैं एक बात ये आपको बोलना चाहता हूँ, मेन चीज ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों, आपने बोर्ड का एग्जाम लिख दिया, 10th या 12th का एग्जाम लिख दिया, तो उसकी टेंशन आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो लिख दिया सो लिख दिया, मार्क्स वही आना है। बहुत से लोग बोल रहे हैं ग्रेस मार्क देंगे, बहुत से टीचर अपने बच्चों को समझाते हैं टेंशन मत लो, ग्रेस मार्क होगा या लिनियंट चेकिंग होगी कोविड के कारण। तो बच्चों ऐसा नहीं है। कोविड के कारण क्या होता है, आपने पेपर तो उसी जुनून के साथ लिखा, पेपर बनाने वाले ने भी उसी जुनून के साथ पेपर बनाए आपको टेस्ट करने के लिए। तो हाँ, लिनियंट मार्किंग होगी, लेकिन कहीं से ऐसा मत सोचो कि फ्री के नंबर बांट दिए जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अब आपको देनी है IIT के एग्जाम, मतलब मेंस का एग्जाम देना है आपको, नीट का एग्जाम देना है, तो आप फोकस करो उस पे। क्योंकि आपका जब एग्जाम होना है तो आपके पास जो अभी 1-2 महीने का टाइम है, ये टाइम किस लिए है कि उन पेपर पे आप फोकस कर पाओ। जो होना था वो हो गया, लेकिन जो अभी आपके हाथ में है उस पे ध्यान दो। बाकी मैं कुछ यूट्यूबर को या कुछ अपने दोस्तों को ये बोलना चाहूंगा कि आप बच्चों को गुमराह ना करें। क्यों? एक यूट्यूबर की मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था यार व्यूज के लिए लोग बनाते हैं, हर कोई यूट्यूब पे व्यूज के लिए बैठा है, कमेंट के लिए बैठा है, पैसों के लिए बैठा है। तो भैया ऐसा नहीं है, व्यूज लाना है कई तरह के वीडियो आप बनाओ, कमेंट लाना है कई तरह के वीडियो बनाओ, लेकिन जो बच्चे पहले से इतना परेशान है कि उनके रिजल्ट का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उन्हें और परेशान नहीं करो। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों पे प्रेशर मत बनाओ, उन्हें और मतलब टेंशन में मत लाओ। जो होना था वो अच्छा होना था, अच्छा ही होगा, रिजल्ट आपका हमेशा की तरह बेस्ट आएगा जैसे अभी तक आप परफॉर्म करते हो। बाकी लोगों से यही कहना है, टेंशन मत लो, आगे जो होना है, आगे जो आना है उसका स्वागत करो एक अच्छे जोश के साथ, एक अच्छे मन के साथ, और बस फोकस करो कि जो आना है अब उसे मतलब एकदम तोड़ के रख देना है। मतलब IIT जाना है तो जाना है यार, नीट क्लियर करना है तो करना है, या XYZ एग्जामिनेशन मेरे को इस साल निकालना है तो निकालना है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद रखता हूं मैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और पॉजिटिव हो के जिस चीज के लिए फोकस हो फोकस रहोगे। चलो FM की नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ और हम सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ, उम्मीद के साथ। चलो बाय बाय।